नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओवरड्राफ्ट के बारे में। ओवरड्राफ्ट लोन से कैसे बेहतर है दोस्तों, मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों, हम लोग कभी भी इंस्टेंटली पैसे की जरूरत पड़ती है तो हमें कई सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं बैंक के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर आप लोग को इंस्टेंट कभी पैसे की जरूरत पड़े तो आप लोग लोन मत लीजिएगा। लोन से काफ़ी बेहतर ऑप्शन हो सकता है ओवरड्राफ्ट। चलिए जानते हैं ओवरड्राफ्ट क्या है, किस तरह से काम करता है और साथ में यहाँ पे कौन कौन लोग खुलवा सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ, दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, एक सिक्योर्ड एक नॉन सिक्योर्ड। तो ये दोनों अकाउंट किस तरह से काम करते हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं द इंडियन ट्यूबर चैनल और मैं हूं रवि। आप सभी को फिर से हमारे और आपके द इंडियन ट्यूबर चैनल में स्वागत करता हूं। तो चलिए जानते हैं ओवरड्राफ्ट के बारे में सब कुछ। सब्सक्राइब कीजिए द इंडियन फीवर चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए इसी तरह की लेटेस्ट और कमाल की वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए। यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ओवरड्राफ्ट को समझिए। ओवरड्राफ्ट क्या होता है दोस्तों, जैसे कि अगर हमारे अकाउंट में पैसे हैं 1 लाख रुपए और हमें ज़रूरत है 1.5 से 2 लाख रुपए की, तो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट में हम अपनी लिमिट को बढ़ा सकते हैं। मतलब कि कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह करके यहाँ पे हम ओवरड्राफ्ट से अपने ज़्यादा पैसा निकाल सकते हैं, यानी कि अपनी विड्रॉल मनी से ज़्यादा पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, इसी को कहते हैं ओवरड्राफ्ट। दोस्तों यहाँ पे ओवरड्राफ्ट में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, दो तरह के अकाउंट होते हैं। दो तरह के अकाउंट यानी कि दोस्तों, यहाँ पे आप लोग का एक सिक्योर्ड एक नॉन सिक्योर्ड। यहाँ पे आप लोग किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं, इन द सेंस दोस्तों कि ले सकते हैं ओवरड्राफ्ट की सुविधा आप लोगों के अकाउंट में, चाहे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, चाहे वो आप लोग का प्राइवेट हो, चाहे आप लोग का सरकारी हो, चाहे आप लोग का सहकारी बैंक हो। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ बैंक हैं, यहाँ पे सारे बैंकों के नाम नहीं बताऊंगा, अधिकतर बैंकों को यहाँ पे लिस्ट मिलेगा। लगभग 99% बैंक आप लोगों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा दे देते हैं, कुछ 1-2% बैंक ऐसे हैं जो कि आप लोगों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा नहीं देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप लोग जानिए कि सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट में क्या होता है। सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट में दोस्तों आप लोगों को देना पड़ता है कुछ गिरवी रखने के लिए, जैसे कि वो हो सकते हैं आप लोगों के जमीन के कागजात, वो हो सकते हैं आप लोगों का ज्वेलरी, वो हो सकता है आप लोगों की LIC की पॉलिसी। मतलब कि यहाँ पे आप लोगों को एक सिक्योरिटी मनी के रूप में कुछ चीज़ें रखनी होती हैं, जिससे कि अगर आप लोग भरपाई ना कर पाएं तो बैंक या फिर किसी भी तरह की संस्था हो, अगर वो आप लोगों को ओवरड्राफ्ट दे रही है तो यहाँ वो उस चीज़ से वसूल सके। तो ये है दोस्तों सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट का ऑप्शन। वहीं पर दोस्तों अगर नॉन सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट ऑप्शन की बात करें, तो नॉन सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट में आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादा कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर है तो यहाँ पे आप लोग रख सकते हैं, वरना कोई वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के अकाउंट का लेन देन सही होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को क्रेडिट कार्ड इशू होता है, वैसे ही यहाँ पे आप लोगों का दूसरा नॉन सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट का ऑप्शन है। यहाँ पे आप लोग ले सकते हैं, पर आप लोगों का क्रेडिट स्कोर यानी कि आप लोगों के अकाउंट में, आप लोगों के खाते में लेन देन सही होना चाहिए। ये दोस्तों मेनली आप लोगों के बैंक मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा वाला देने का किया आप उसको भरोसा है कि नहीं, कि आप लोग चुका पाएं कि नहीं। यानी कि कुल मिलाकर के आप लोगों का बैंक मैनेजर इस पे डिसाइड करेगा कि आप लोगों को नॉन सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो यही चीजें हैं दोस्तों, ये आप लोग को मदद कर सकता है लोन लेने से। लोन लेने से कैसे मदद कर सकता है दोस्तों, यहां पे दोस्तों अगर आप लोग लोन लेते हैं तो आप लोगों को मिल जाता है कि आप लोगों को ब्याज से पहले, यानी कि अगर समय से पहले आप सब कुछ चुकता करना चाहते हैं तो आप लोगों को उसके लिए भी यहाँ पे पेनाल्टी देनी पड़ती है। वहीं पे दोस्तों ओवरड्राफ्ट में जैसे कि आप लोगों काम खत्म हुआ और अगले ही दिन आप लोगों के पास सारा पैसा आया और आप लोग अपने ओवरड्राफ्ट के सब कुछ खत्म करना चाहते हैं, तो आप लोग बैंक को दोबारा पैसा दे सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज दिए हुए। तो दोस्तों यही ओवरड्राफ्ट को लोन से डिफरेंट बना देता है, जो कि काफी बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें इसके ब्याज वगैरह की, तो हाँ यहाँ पे आप लोगों से ब्याज वगैरह वसूला जाता है, ज्यादा नहीं। आप लोगों का जो भी लोन है उससे तो कभी ब्याज यहाँ पे वसूला जाता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप लोगों का जब तक आप लोगों के पास पैसा है तब तक ही आप लोगों का ब्याज दुखी देना पड़ता है। वहीं पे दोस्तों अगर लोन की बात करें, तो लोन में आप लोगों को एक समय पीरियड के लिए मिलता है, जैसे कि हम लोगों ने 2 साल के लोन लिया है, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 24 महीने के लिए, तो हमें उस समय पीरियड तक ही लोन भरना पड़ता है। अगर उससे पहले भरे तो जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को पेनाल्टी भी देनी पड़ती है, क्रिएट कर देता है। तो मैं आप लोग कहूँगा अगर आप लोग को इंस्टेंट पैसे की जरूरत है तो आप लोग लोन या फिर अदर कहीं से ब्याज लेने से बचिएगा। यहाँ पे आप लोग ओवरड्राफ्ट की सुविधा को देखिएगा, आप लोग अपने बैंक मैनेजर से बात कीजिएगा अगर आप लोगों के पास सिक्योरिटी मनी है नहीं। काफ़ी अच्छा लेन देन है आप लोगों के बैंक के अकाउंट में, तो वो आराम से आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात करें, तो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट लेने के लिए आप लोगों को दोबारा से वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, आप लोगों के पूरी डिटेल देनी पड़ेगी, जैसे कि आप लोगों का एड्रेस वेरिफिकेशन, आप लोगों का पैन कार्ड लगेगा। यहाँ पे ये मस्ट है कि आप लोगों का पैन कार्ड होना चाहिए। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए।
तो ये दोस्तों पैन कार्ड में आप लोग आइडेंटिटी प्रूफ रख सकते हैं और आधार कार्ड को आप लोग एड्रेस प्रूफ रख सकते हैं। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट होंगे आप लोगों को, तो आराम से ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल जाएगी, बशर्ते कि आप लोगों की स्थिति बैंक में सही हो या फिर जहां से भी आप लोग ओवरड्राफ्ट लेना चाहते हैं। बाकी दोस्तों अगर लेने की बात करें तो कोई भी ले सकता है। अगर जैसा कि मैंने बताया इन दोनों तरीके में अगर आप लोगों के पास गिरवी रखने के लिए कुछ है तो भैया गिरवी रख दीजिए और बैंक से ओवरड्राफ्ट ले लीजिए आप लोगों की लिमिट के हिसाब से, यानी कि आप लोगों का जिस तरह का भी गिरवी का सामान है उस हिसाब से आप लोगों को ओवरड्राफ्ट मिलेगा। वहीं पर दोस्तों दूसरे तरीके से अगर आप लोगों का मतलब लेन देन सही है तो आप लोग किसी भी तरह किसी कैटेगरी के हों किसी भी उम्र के हों यानी कि मैच्योर हो जाएंगे तभी आप लोगों को मिलेगा, तो आप लोगों को यहाँ पे आराम से ओवरड्राफ्ट कोई भी ले सकता है अगर वो इंडियन नागरिक है तो किसी भी बैंक से। तो फिलहाल दोस्तों यही सारी चीजें हैं ओवरड्राफ्ट के बारे में बताना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कई लोग परेशान हो जाते हैं लोन के चक्कर में, 4 दिन 5 दिन 10 दिन घूमते हैं लेकिन उनका बैंक लोन अप्रूव नहीं करता है, तो ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा से वो अपने समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। अगर आप लोगों की इस वीडियो ने हेल्प करी हो तो लाइक कर दीजिए, दूसरों के साथ शेयर करके अगर उनको भी जरूरत है पैसे वैसे की तो यहां से वो निकाल सकते हैं पैसे आराम से ओवरड्राफ्ट से। और वहीं पर दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करते हैं तो इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को हमेशा आती रहेंगी। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।